सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। दुमका की अंकिता अब नहीं रही, उसका पूरा शरीर अब उसी अग्नि में विलीन हो गया जिसकी तपिश में वो कई दिनों तक झुलसती रही। आज भी अंकिता के बिस्तर पर पड़ी ये राख साबित कर रही कि वो किस कदर जली होगी। आग उसके बदन पर लगी थी लेकिन तपिश और जलन को पूरा देश महसूस कर रहा है। उस आंच में ही पूरा देश झुलस रहा है। 12वीं की छात्रा दुमका की बेटी अंकिता अस्पताल में बिस्तर पर 5 दिनों तक पड़ी तड़पती रही। वहीं दूसरी तरफ जीते जी उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला डालने वाला गुनहगार शाहरुख किसी जालिम की तरह हंसता नजर आया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके सीने पर यह शूल की तरह चुभा। झारखंड की उपराजधानी के तौर पर मशहूर दुमका, जो पूरे देश में कभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लोकसभा क्षेत्र और बाद में वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के तौर पर जाना जाता रहा, आज मासूम अंकिता के चित्कारों से गूंज रहा है। कल तक दुमका की जिन गलियों में हंसती मुस्कुराती अंकिता स्कूल जाया करती थी, आज कुछ ही देर पहले वहां से राम नाम सत्य के नारों के साथ उसकी शव यात्रा गुजरी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आवारा वहशी दरिंदा शाहरुख के प्रेम प्रस्ताव को नकारने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। शाहरुख ने अंकिता को मार डालने की धमकी दी थी। उसने ये बात अपने पिता को बताई भी। पिता ने कहा सुबह होते ही वो इस बात की शिकायत लेकर उसके घर जाएंगे, लेकिन वो सुबह कभी आ नहीं पाई। सुबह होती उससे पहले ही दरिंदे शाहरुख ने अपने सहयोगी छोटू के साथ मिलकर घर में सोई नाबालिग अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तड़पती अंकिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन हालत गंभीर देख उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, मगर बदकिस्मत अंकिता को बेहतर इलाज वहां भी नहीं मिल पाया और अंततः उसने दम तोड़ दिया। मासूम अंकिता की मौत की खबर जैसे ही दुमका पहुंची मानो पूरा दुमका रो उठा। हर किसी की आंखों में आंसू थे तो सीने में ये आग भी सुलगती नजर आई कि अंकिता के गुनहगार को फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं। अंकिता के अंतिम संस्कार के वक्त उसके बिलखते दादाजी, जिन्होंने कभी उसकी अंगुली पकड़कर उसे चलना सिखाया था, आज उन्हीं हाथों से उसे अग्नि के हवाले करते ये कहते नजर आए कि उनकी अब यही इच्छा है कि उनके प्राण त्यागने से पहले अंकिता के गुनहगार को फांसी पर चढ़ता देख लें। आप प्रणाम गुंजन बोल रहे हैं सर? ये उनके फादर बात करना चाह रहे हैं अंकिता के साथ। दे रहे हैं सर, ठीक है, बोलिए। ऐसे रखे बोलिए। हाँ हेलो। हाँ हमारा भी बेटी जिस रास्ता पर के मरा सर, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हाँ इसलिए इसलिए पूरा कानूनी कार्रवाई किया जाए, फांसी सजा होना चाहिए। आप आइए। यहाँ का जो विधायक है, मंत्री है हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, एक बार भी नहीं देखने के लिए आया। आप कैसे होगा सर बताइए। आप आइए सर यहाँ। अंकिता को न्याय मिले इसके लिए अंकिता के दादा हर किसी के सामने न्याय की गुहार लगाते दिखे। इतना ही नहीं, गुस्सा और आक्रोश इस बात को लेकर भी दिखा कि अंकिता के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन दुमका सीट से विधायक बसंत सोरेन और न उनके बड़े भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इलाज के दौरान अंकिता की कभी सुध ली। मासूम नाबालिग अंकिता भले ही वैशी शाहरुख की हैवानियत का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गई, मगर अपने पीछे वो कई सवाल भी छोड़ गई है। यह अलग बात है कि वो जब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, उस वक्त स्थानीय विधायक और पूरी सरकार पिकनिक मना रही थी। शायद इसीलिए आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी ये सवाल उठा रहे कि रांची के घायल दंगाई नदीम को इलाज के लिए सरकार एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के मेदांता भेज सकती है तो मासूम अंकिता का क्या कसूर था कि ना उसे दुमका से लाने की जहमत उठाई गई और न इलाज के लिए बाहर भेजने की कोई पहल हुई। सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, किसी ने भी जब तक वह बेटी जिंदा थी किसी ने भी अस्पताल में उसका बेहतर इलाज हो इसके लिए कोशिश नहीं। रांची के समाज से भी, रांची के नौजवान हम लोगों के आते थे और हम लोगों ने अस्पताल के अधिकारियों से बात करके जितना संभव हो सका उतना प्रयास किया। पंखे की जरूरत थी, वो घरों से ले जाकर पंखा लगाए, परंतु सरकार के काम को यूँ नहीं लगी। आज विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी सवाल उठा रहे कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। सरकार अंकिता के गुजरने के बाद अब आश्वासन दे रही कि उसके गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा।
भले ही अंकिता के गुनहगारों को सजा मिल भी जाए, मगर सवाल पूरे समाज के सामने है कि आखिर शाहरुख जैसी मानसिकता का खात्मा कब होगा। आखिर कब तक मासूम अंकिताएं शाहरुख जैसे दरिंदों की हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिले कि किसी के साथ भी ऐसा करने से पहले रूह तक कांप उठे। दुमका से आशीष वर्णवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 22 को रांची।